एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो एम ए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एग्जाम्स कर रहे हैं, आज हमारी बुक का नाम है MPSE 7। इसमें मैं आपको 2018 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर कराऊंगी। मैंने आपको पहले 2019 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 पहले ही अपलोड कर दी है, तो आपको खाली 2019 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर कराना है इसमें। और देखिए स्टूडेंट, मैंने MED 2 जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया उसका एक पेपर देखा, अच्छा आया था आपका पेपर। और उसमें से कुछ क्वेश्चन थे जो आपके 2019 के आए थे, उसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके खाली 2019 के ही आए थे। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि 2019, 18 और सॉल्व जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों करके जाया करो, क्योंकि तीनों में से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से तो देखिए आपको जो 5 क्वेश्चन करने होते हैं वो तो आराम से आ जाते हैं, परंतु कभी कभी क्या होता है कि 2018 और 19 में से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि आपके 3-4 क्वेश्चन इन दोनों में से भी बन जाते हैं। तो इसलिए आप 2018, 19 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तीनों चीज करके जाया करो। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता रही है मैंने आपको पहले करा दिया, तो क्वेश्चन खाली बता देती हूँ। सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं, भारतीय लोकतंत्र में उसकी भूमिका, तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करा दिया है फिर 2019 वाले में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक आंदोलन में वैश्वीकरण की प्रक्रिया से कैसे प्रभावित हुआ है, उसको स्पष्ट करना है कि देखिए जो सामाजिक आंदोलन है उस पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में बताना है इसमें। तो देखिए इसमें जो पहले बता रहे हैं कृषक वर्ग कि भारत में भूमंडलीकरण का जो एवं जो सामाजिक आंदोलन है वो बताना है इसमें कि भारत में जो भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा सामाजिक आंदोलन पे। तो पहले बता रहे कृषक वर्ग, तो देखिए कृषक वर्ग जो है वो मैंने आपको समझा दिया है पहले, और श्रमिक वर्ग भी मैंने आपको समझा दिया है पहले। तो इसमें मैं आपको मध्य वर्ग और महिला वर्ग बताती हूँ। आपने अगर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता होगा उसमें मैंने कृषक वर्ग और श्रमिक वर्ग बताया कि उस पर क्या प्रभाव पड़े हैं वैश्वीकरण के, तो इसलिए प्लीज़ वो सब आप पढ़ लेना, छोड़ के मत जाना को भी। तो इसमें मध्य वर्ग पढ़ते हैं हम। देखिए बता रहे कि वैश्वीकरण के दबाव के कारण जो श्रमिक वर्ग हैं उनकी नौकरियां काफ़ी कम हुई हैं। जो श्रमिक वर्ग है मैंने आपको पहले बताया था किस तरीके से भूमंडलीकरण का उस पर प्रभाव पड़ा, उनकी नौकरियां चली गई है ना। फिर बोलते कि परंतु जो आपका मध्य वर्ग होता है वो भी पैदा हुआ। आपको पता है ना कि पहले श्रमिक वर्ग एक गरीब और एक अमीर वर्ग ही हुआ करता था, मिडिल क्लास फैमिली टाइप का कुछ नहीं हुआ करता था, जो भी जिसको हम मध्य वर्ग बोलते हैं। परंतु क्या है कि वैश्वीकरण के बाद से क्या हुआ है कि जो मध्य वर्ग है भी सामने आया है, जो पढ़ा लिखा वर्ग होता है, और ये तकनीकी जो योग्यताएं होती है ये इनों में होती हैं, इनों को पता होती है तकनीकी योग्यताएं क्या हैं। और देखिए इसमें बता रहे कि जो नया वर्ग है जो मध्य वर्ग है इनके पास जो वैश्वीकरण से जो नई नई वो है नौकरियां वो भी इनको प्राप्त हुई हैं, और नई नई नौकरियाँ भी पैदा हुई हैं। अब भूमंडलीकरण के कारण क्या हुआ है कि भारत में तमाम जो इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ इनों में इनको नौकरियाँ मिली हैं, और साथ साथ इनकी जो आय है उसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई है। और जो आरक्षण की नीति की जो आलोचना करते हैं उसके निजी क्षेत्र आने से कम हुई है, जिसकी जो आरक्षण मिलता है लोगों को तो इसकी आलोचना भी करते हैं बहुत से लोग। तो इसके अब निजीकरण के आने से क्या हो कि आरक्षण कम हो गया है, तो इसकी आलोचना में भी अब कमी हो गई, और निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की बात उठ रही है कि जो निजी क्षेत्र होते हैं, प्राइवेट सेक्टर होते हैं, इसमें भी आरक्षण देना चाहिए लोगों को। और जो सरकारी शिक्षा नीति है वो भी बदल रही है, और सरकार पर दबाव भी डाल रही है कि जो शिक्षा नीति है उसको चेंज होना चाहिए, आज के टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखिए जो परंपरागत शिक्षा मिलती थी तो वो एक पूर्ण रूप से अब समाप्त ही हो ही जा रही है, क्योंकि वैश्वीकरण ने लगभग सभी जो पुरानी परंपरागत शिक्षा थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि महिलाओं के ऊपर इसका जो आपका भूमंडलीकरण इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए आपको मध्य वर्ग का तो समझ आ गया, नया मध्य वर्ग हो गया है, इसको नए नए कहते हैं नए नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं, और इसमें भी निजीकरण की बात हो रही है, और इसने शिक्षा नीति के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला क्योंकि नई शिक्षा नीति आ गई, सब चीजें बता रहे हैं। अब महिला के ऊपर है, देखिए बोले जो महिला की स्थिति है वो वैश्वीकरण के उससे देखा जाए तो मिली जुली है। कैसे? देखिए पहले क्या होता था कि महिलाओं को परंपरागत रूप में देवी का रूप दिया जाता था कि महिलाएं जो होती है वो देवी का रूप होती है, परंतु दूसरी तरफ जो वैश्वीकरण है इसमें महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु के रूप में देखा जाता है। और देखिए वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि जो घरेलू हिंसा होती है, दहेज प्रथा होती है, ये सब पश्चिमीकरण के कारण बलात्कार की घटना ये सब में वृद्धि हुई है, कि जो
और ज्यादा घटनाएं हो रही है महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, ये और ज्यादा होने लगा है पश्चिमीकरण के कारण। परंतु दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि वैश्वीकरण के कारण महिला आत्मनिर्भर हो गई हैं और हर क्षेत्र में वो उनको हर एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। आपको पता हर एक क्षेत्र में महिला जॉब भी करती है, काम भी करती है। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि महिला जैसे सशक्तिकरण होती गई, ऐसे जो परिवार है उसमें विघटन होता जा रहा है। क्योंकि पहले देखिए ज्वाइंट फैमिली रहती थी, बहुत बड़ी बड़ी फैमिली एक साथ रहती थी, परंतु आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिली रहती है, छोटी छोटी फैमिली एक साथ रहती है, है ना। क्योंकि देखिए जब महिला ज़्यादा सशक्तिकरण हो जाती है, आत्मनिर्भर हो जाती है, तो वो अलग से रहने लग जाते हैं। जो भी है ये सब चीज़ें इसमें बता रहे हैं कि उनको फिर अलग से घर उची होता है या फिर वो किसी की सुनती नहीं है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। और बता रहे हैं कि वैश्वीकरण से क्या हुआ है कि जो भ्रूण हत्याएं हैं वो भी ज़्यादा होने लग गई। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो अब जो बच्चे हैं वो अब कम रखते हैं, बच्चे एक दो रखते हैं ना, तो उसके कारण क्या कि जो भ्रूण हत्या वो ज़्यादा होने लग गई है। और इन सब के संदर्भ में क्या है कि भारत में उच्च नारी नीतियां बनने की मांग पर जोर पकड़ रहा है कि अब भारत में भी अब दबाव बढ़ रहे हैं कि नारियों के ऊपर अच्छी अच्छी नीतियां बनाएं, उच्च नीतियां बनाएं, जिससे कि वो अपना विकास और अच्छे से कर सके। और देखिए वैश्वीकरण के कारण क्या है कि जो संचार क्रांति में भी अत्यधिक सामाजिक आंदोलन को वैश्वीकरण प्रदान किया है, मतलब कि रूप प्रदान किया है। कि वैश्वीकरण से क्या हुआ, जो आपकी संचार क्रांति होती है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इसको एक अच्छा रूप प्रदान किया है, जिसके कारण क्या है कि भारत में जो भी सामाजिक आंदोलन होते हैं वो दुनिया भर में लोगों का उनका समर्थन मिलता है, कि लोगों का समर्थन मिलता है। आप समझिए अब किसी देश में आंदोलन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो बाकी देशों को भी पता चल जाता है, क्योंकि संचार में वृद्धि हुई है वैश्वीकरण के कारण, तो बाकी लोगों का भी इसका इसको समर्थन मिलता है फिर आंदोलन का। और सब चीज़ें मिलाकर ये है कि जो वैश्वीकरण से क्या हुआ, जो सामाजिक आंदोलन है उसको राष्ट्रीय से वैश्वीकरण बनाने की मदद मिलेगी। ये अब जो सामाजिक आंदोलन होता था एक वैश्वीकरण के कारण राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बन गया, कि एक जगह पे कहीं होता है तो वह पूरे जगहों पे पता चल जाता, तो इससे वैश्वीकरण हुआ इन सब चीज़ का। तो ये क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। बाकी जो कृषक वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, ये आप पढ़ लेना, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाया, तो आप उसमें से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए कि जो राजनीतिकरण ने किस प्रकार भारत में सामाजिक वातावरण को प्रभावित किया है, कि राजनीतिकरण ने जो सामाजिक आंदोलन होता है आपका सामाजिक वातावरण है उसको कैसे प्रभावित किया है, तो आंसर देखते हैं। देखिए इसमें बता रहे हैं कि जो राजनीति होती है सामाजिक व्यवस्था का ही एक अंग होता है, राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था से अलग नहीं होती है। फिर बताते हैं कि जो जैसे कि आपके समाज में कोई भी गतिविधियाँ जब घटती है तो वो राजनीतिक में ही शामिल होती हैं, और समाज में होने वाले आंदोलन जो होते हैं वो राजनीतिक में ही राजनीतिक से प्रभावित भी होते हैं। अगर समाज में कोई आंदोलन होते हैं वो राजनीतिक से प्रभावित होते हैं। बोला जो शुरू में राजनीतिक आंदोलन हुए थे, सामाजिक जो आपके आंदोलन हुए थे, समाज में जो भी आंदोलन है उसका राजनीतिक पे भी प्रभाव पड़ा था, उसके संस्था पे, उसके कार्य क्षेत्र पे, उसके कर्तव्य, और उसके साथ साथ जो आपकी शक्ति होती है, सत्ता होती है, उसके विभाजन अवतन सब पे पड़ा था। इसका कहने का मतलब बस यही है कि जो समाज में जो भी चीज़ें होती हैं, गतिविधियाँ, वो राजनीति से प्रभावित होकर ही होती हैं। अगर राजनीतिक आपके ठीक नहीं है तभी आपके आंदोलन होते हैं। अगर राजनीतिक ठीक प्रकार से चल रही है, सारे आपको सब चीज़ आपको कानून नियम आपके अधिकार सब मिल रहे हैं, तो आप आंदोलन बहुत ही कम और ना के बराबर होते हैं। तो जो भी चीज़ें होती है समाज में गतिविधि और राजनीतिक से प्रभावित होती है, और अगर समाज में कोई आंदोलन हो रहे हैं तो वो जब समाज में आंदोलन होता है तो उसका प्रभाव जो है वो राजनीतिक पे भी पड़ते हैं, उसकी संस्थाओं पे, उसके कार्य क्षेत्र पे, उसके कर्तव्य पे और उसकी शक्ति पे भी पड़ता है। तो इन सब चीज़ों पे इसका प्रभाव पड़ता है। देखिए बता रहे हैं कि सामाजिक आंदोलन नहीं थे, जब उसका अभाव था तो क्या होता था, जो चर्च की सत्ता होती है, औपनिवेशिक होता है, फांसीवाद होता है, इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत मुश्किल था। अगर सामाजिक आंदोलन ही नहीं होंगे और जब होते नहीं थे तो क्या होता था कि लोग आपका शोषण करते थे, समाज में लोगों का शोषण होता था, ठीक है। चर्च की सत्ता जो होती थी ये सब ज़्यादा प्रभावकारी रहती थी, जो फांसीवाद है, ये सब औपनिवेश, तो ये सब चीज़ें होती थी। परंतु जैसे ही आपके सामाजिक आंदोलन होने लगे, इसमें आवाज़ उठने लगी, तो औपनिवेशिक भी, आपको पता है पहले हमारे देश हम औपनिवेश थे, है ना, ब्रिटिश के, तो क्या था कि हम जब यहाँ पे सामाजिक आंदोलन होने लगे तो जो हमारे ब्रिटिश हमारे ऊपर अपने वो कर रखे थे कब्जा, तो वो भी हट गया। तो आंदोलन से क्या होते हैं कि किसी भी प्रकार का जो तानाशाही होती है, शोषण होता है, उन सबका समाप्त हो जाते हैं आंदोलन के द्वारा। और सामाजिक आंदोलन के द्वारा क्या होता है कि आपके समाज में और राजनीतिक में बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी होता है। अगर देखिए फ्रांस और रूस में अगर सामाजिक आंदोलन नहीं होते तो लोकतंत्र की स्थापना भी नहीं होती, क्योंकि जो जारशाही है उसे मुक्ति नहीं प्राप्त होती किसी को। क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ कि फ्रांस और रूस में ही आपके सामाजिक आंदोलन हुए थे लोकतंत्र को लेकर, लोकतंत्र की स्थापना को लेकर, जारशाही का जो शासन था बड़ा
क्रूर था और बहुत वो वैसा था तानाशाही टाइप का। तो अगर जब अगर से मुक्ति प्राप्त हुई तभी आपके जर्मनी में जो फांसीवाद आंदोलन है उसके लिए आंदोलन हुआ फांसीवाद के विरुद्ध में, और इस्लामी में आंदोलन हुआ, तो ये सब, और भारत में धर्म सुधार आंदोलन हुआ, तमिलनाडु में तमिल विद्रोह आंदोलन हुआ और राजनीतिक आंदोलन, ये सब आंदोलन से ही क्या हुआ कि हमारी जो दशा है उसमें सुधार आया, हम लोकतंत्र की स्थापना कर पाए। तो ये सब चीज़ें इसमें बता रहे हैं। देखिए इसमें भी है कि अगर जो समाज में जो राष्ट्रीय आंदोलन, किसी राष्ट्र में जो सामाजिक आंदोलन होते हैं उसका जो प्रभाव कम भी पड़ सकता है और ज़्यादा भी पड़ सकता है, मतलब कि जो उसकी गतिविधियाँ हैं वो प्रत्यक्ष रूप से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी, और लोगों की जो भावना है वो उसकी पूर्ति भी इन आंदोलन से हो जाती है। और अंत में ये बताया जा रहा है अगर किसी भी देश की आपको राजनीतिक व्यवस्था को समझना है तो सबसे पहले आप उसकी सामाजिक व्यवस्था को समझिए, और सामाजिक व्यवस्था को कैसे समझा जाएगा, जो वहाँ के आंदोलन होते हैं सामाजिक आंदोलन, क्योंकि देखिए राजनीतिक अगर आपकी अच्छी है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कोई आंदोलन होगा नहीं, और किस प्रकार की राजनीति आपको कैसे आपको कानून दे रही है, आपको कैसे अधिकार दे रही है, तो अब वहाँ के आंदोलन से आपको पता चल जाएगा सामाजिक व्यवस्था से, सामाजिक व्यवस्था के अंदर जो आंदोलन होते हैं इन सब चीज़ों से। और आगे देखिए इसी का जो मैं आपको पाठ करा रही हूँ उसका जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से बन सकता है, स्वतंत्रता के पश्चात सामाजिक बदलाव की अवधारणा के बारे में बताइए। और जो मैं अभी आपको क्वेश्चन जो करा रही हूँ उसी का ये आगे पार्ट है, आगे आंसर है, परंतु ये जो अब मैं आंसर आपको आगे करा रही हूँ इसका क्वेश्चन भी अलग से भी बन सकता है कि स्वतंत्रता के पश्चात सामाजिक बदलाव की अवधारणा बताने हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको अब आगे ही बताऊंगी ना कि सामाजिक आंदोलन भारत में किस प्रकार से हुए थे, तो वही इसमें बता रहे कि स्वतंत्रता के पास जो आंदोलन हुए थे उनके बारे में सामाजिक जो बदलाव हुआ। देखिए स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ कि भारतीय संविधान सभा ने एक पूर्ण लोकतंत्र राज्य बनाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया, कि जो संविधान है उसके कारण ही हमारा जो लोकतंत्र है उसकी स्थापना हुई है। आपको पता है कि लोकतंत्र जो संविधान कब लागू हुआ 1950 में, और जब तब से अब तक 1950 में जब ये लागू हुआ था लोकतंत्र, तब से अब तक हमारे जो भारत है उसके लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ही मजबूत हो चुकी हैं, और इसकी बहुत अहम भूमिका और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और देखिए जो स्वतंत्रता और सशक्त न्यायपालिका और ये जो अब हमको वयस्क मत अधिकार मिलते हैं और स्वतंत्रता मिलते हैं, निष्पक्ष जो निर्वाचन होते हैं आयोग, ये सब इन सबसे क्या हुआ कि भारत के जो समाज में बदलाव है वो इसी की वजह से आया है। आप सभी को पता वोट देने का अधिकार जो हमें हमको स्वतंत्रता मिल रखी है, और एक ऐसी न्यायपालिका है हमारे पास जो निष्पक्ष होकर कार्य करती है, तो इन सब की वजह से जो हमारा समाज है उसमें महत्वपूर्ण बदलाव भी हुआ है। और देखिए आप सभी को पता है कि भारत का जो संसदीय मॉडल है ये ब्रिटिश की देन है, जो इंग्लैंड के लोग हैं उन्होंने ही हमने लिया है ब्रिटिश से। तो देखिए बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मत था कि जो हमारा संविधान है जो भारतीय मॉडल है वो ब्रिटिश का ही मॉडल है, तो उसको हम अगर अपनाते हैं तो हमारे जो समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हम उसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि एक तो हम हैबिचुअल हो गए उसके आदि हो गए थे, है ना, आदि हो गए थे उसी के कि हाँ हमको ये वाले उसी चीज पे चलना है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ था कि जो आपका जो संसदीय प्रणाली है उसी को हमने फिर अपना लिया जो ब्रिटिश की थी। और देखिए इसी के साथ साथ क्या था, जो कैबिनेट प्रणाली थी इसकी व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे में महत्वपूर्ण बल दिया, कि जो ये प्रणाली थी जो संसदीय सब था इसने भाईचारा, स्वतंत्रता, समानता इन सब पे भी अच्छा महत्वपूर्ण बल दिया था। और देखिए आप सभी को पता है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार है जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उसके द्वारा क्या हुआ था कि जो हमारे व्यक्ति के जो नागरिक की स्वतंत्रता होती है उसका विशेष ख्याल रखा गया था इन मूल अधिकारों के कारण। और इसी के कारण क्या हुआ था कि समानता के लिए जो ये व्यवस्था की गई थी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता की व्यवस्था की गई, कि जो हमको मूल अधिकार मिले हैं इन सबसे हमारा क्या होता है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये सब हमको समानता इसमें मिलती है। देखिए बताइए पहले से हमारे समाज में बहुत ज़्यादा असमानता विद्यमान थी, परंतु जो उदारीकरण व्यवस्था और जो लोकतंत्र है ये इसको दूर कर सकता था, जो हमारा लोकतंत्र है इन सब असमानताओं को दूर करने का प्रयास कर रहा था। देखिए हमारे देश के जो संविधान उसमें क्या है, ये प्रस्तावना में कि जो स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे पर न्याय की प्राथमिकता का प्रावधान है, कि आपको स्वतंत्रता, समानता मिलेगी, भाईचारा और जो न्याय होते हैं इन सब पे आधारित होगा। देखिए भारत का जो संविधान है वो उदारवादी है, लेकिन जो इसका लक्ष्य है वो समाजवादी की ओर
झुका हुआ है। और इसी प्रकार से जो भारत का संविधान है वो राजनीतिक न्याय की तुलना में जो सामाजिक आर्थिक न्याय होता है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। और ये सब इसलिए है कि जो हमारे को सामाजिक आर्थिक जो न्याय ज़्यादा देता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि देखिए आप सबको पता है हमारे देश में क्या है कि जो पिछड़े लोग ज़्यादा हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, महिलाएँ हैं, इन सबको विकास करने के लिए ये सब चीज़ें की गई हैं कि आर्थिक सामाजिक न्याय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो पिछड़े वर्ग हैं, आपका अनुसूचित जाति के लोग हैं, महिलाएँ, इनका अच्छे से विकास हो सके और इन्हों में राजनीतिक चेतना जो है वो उत्पन्न हो सके ताकि अपना विकास अच्छे से कर सके, सोच समझ कर आत्मनिर्भर हो सके और समाज में जो है वो परिवर्तन भी ला सके। और देखिए आपको पता ही है हमारे जो संविधान में आपके मौलिक अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व है, प्रस्तावनाएं हैं, ये सब किस लिए हैं कि जो आपके पिछड़े वर्ग हैं और बालिका होती हैं, अल्पसंख्यक लोग होते हैं, महिला होती हैं, इन सब में, इन सब के विकास में समृद्धि लाने के लिए सब चीज़ें ये सब किए गए हैं। और देखिए जब से ये वोट का अधिकार मिला है लोगों को, इसके कारण क्या हुआ कि जो भी हम विशेष अधिकार किसी को देते हैं ना, विशेष रूप से किसको अलग से दर्जा देना, तो ये सब वर्ग जो होते हैं इसकी जो संकल्पना और ये सब चीज़ें अंत हो गया क्योंकि अब किसी को कोई विशेष चीज़ें नहीं दी जाती, सबको समान देखा जाता है, परंतु जो लोग पिछड़े हैं थोड़े, बस उनको उत्थान करने के लिए उनको सपोर्ट किया जाता है। तो देखिए इस पूरे क्वेश्चन में बस यही बताया जा रहा है आपको कि किस प्रकार से जो समाज में जो समाज के वंचित लोग हैं उनके अंदर किस प्रकार से चेतना लाई गई, उनको हर एक चीज़ में आरक्षण दिया गया ताकि वो अपना उत्थान कर सके और संविधान में ये सब चीज़ें दी गई हैं, तो ये सब चीज़ें बता रहे हैं। और बाकी आगे बता रहे हैं जैसे यूपी में जो मुलायम सिंह यादव हैं, आपका लालू प्रसाद यादव है, मायावती है, इन सब ने किस प्रकार से जो पिछड़े जाति के लोग होते हैं, निम्न जाति के लोग होते हैं, अनुसूचित जाति के लोग होते हैं, इनको उठाने के लिए किस प्रकार से कार्य किया है, इनों को आरक्षण देने के लिए किस प्रकार से कार्य किया है, ये सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं बस। और ये भी बता रहे कि संविधान में जो आपके लिंग भेद होता है, महिलाओं को लेके जो भेदभाव होता है, उनको जो शोषण उत्पीड़न किया जाता है, इन्हों को भी लेके प्रावधान किए गए हैं ताकि महिला अपना विकास अच्छे से कर सके, आगे बढ़ सके। और देखिए आपको पता है संविधान में 73वें और 74वें जो संवैधानिक संशोधन है उसमें ग्रामीण और जो स्थानीय शहर होते हैं इन्हों के लिए भी क्या क्या चीज़ें की गई हैं कि इन्हों को लोगों को इन्हों का उत्थान करे कैसे किया जाए, इन्हों का उत्थान के लिए बहुत सारी चीज़ें बनी गई हैं और इसमें राजनीतिक चेतना भी अब उभरी है, इसमें मदद मिली है। और जो महिला का सामाजिक विकास है वो हर क्षेत्र में हुआ है और पुरुषों के साथ अब कार्य कर रही हैं कंधे से कंधा मिला के, और गाँव में भी जो आपके हैं महिला अब वहाँ पे भी सशक्तिकरण हुई है, वहाँ पे भी उनको बहुत से अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन इसमें बता रहे कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें करना बाकी है गरीबों के लिए और वंचित लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए, बहुत सारी चीज़ें करना बाकी हैं जिनों से उनका उत्थान हो सके। जैसे शहरों में विकास हो रहा है उसी तरह से जो गाँव की जनता उसमें भी विकास करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए विशेषकर। और जो जातियाँ होती है जो विशेषकर जो प्राप्त करे होते हैं अभिजात वर्ग जिनको अलग से अधिकार होते हैं उन्हों को हमको समाप्त करना चाहिए। और देखिए वैश्वीकरण के कारण से, वैश्वीकरण का भी थोड़ा बता रहे हैं कि वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है कि समाज में जो पिछड़े वर्ग होते हैं वो और पीछे गए हैं वैश्वीकरण के कारण, उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसमें, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि निजी क्षेत्रों में लोग अब ज़्यादा जाते जा रहे हैं और वैश्वीकरण के कारण जो मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनकी नौकरी छीनती जा रही है। और देखिए इस पर बैठक करनी चाहिए भारत में जो सरकार होती है उसको इस बारे में सोचना चाहिए मजदूरों के लिए, उनके भलाई के लिए, नहीं तो क्या होगा अगर इस सब चीज़ें नहीं सोचेंगे और तो क्या होगा भारत जो है वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, वो सब चीज़ें इसमें बता रहे थे। क्वेश्चन ये समाप्त होता है, आई होप आपको समझ आया हो। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है श्रमिक आंदोलन का राजनीतिकरण, और ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, एटक के गठन के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधाराओं के आधार पर अनेक श्रमिक संघ स्थापित हुए हैं, उसकी व्याख्या करनी है कि जो विभिन्न श्रमिक संगठन जो स्थापित हुए हैं उनकी व्याख्या करनी है। जो मजदूर थे वो एक ऐसा अधिकार और ऐसा मंच चाहते थे कि उनके जो अधिकार हैं और जो वो आंदोलन कर रहे हैं वो दूर दराज तक के जो मजदूर हैं उन तक ले जाया जाए, कि ऐसा मंच और ऐसा अधिकार चाहते थे कि ऐसा उनको अधिकार या मंच मिले जैसे कि वो कोई भी प्रकार के आंदोलन करें अपने अधिकार को लेके, तो हर एक मजदूर तक दूर दूर तक उनकी बातें जाएं और वहाँ तक पहुँचे। और देखिए इस दिशा में जो अखिल भारतीय स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण कदम श्रमिक जीव संघ कांग्रेस के गठन साथ हुआ, कि जो आपका श्रमिक जीव संगठन कांग्रेस है उसके गठन के साथ इसका आरंभ हुआ था कि जो आपका श्रमिक वर्ग होता है उनको एक मंच प्राप्त हुआ। और इसका जो गठन है वो कब हुआ था 1920 में, किया किसने था, जो बाल गंगाधर तिलक थे, दीवान चनम
लाल बजाज, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं के प्रयास से हुआ। और जो लाला लाजपत राय हैं, इनको एटक का प्रथम अध्यक्ष चुना गया। और ये जो मैंने आपको श्रमिक जीव संघ कांग्रेस बताया, इसी की शॉर्ट फॉर्म है। ये बता रहे 1920 के आसपास जो है जारशाही है उसका अंत हुआ था। जो रूस में जारशाही है उसका अंत हो गया था, और साम्यवाद का उदय हुआ था। और साम्यवाद में जो मजदूर है वो अपने हक के लिए बात करने लगे थे। और इसीलिए जो भारत में है वही श्रमिक आंदोलन जो है, जो वहाँ पे हुआ था रूस में, वो प्रभावित होकर भारत में भी आया। देखिए जो एम एन रॉय है, उन्होंने 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना रूस में ही की। और देखिए जब ये कम्युनिस्ट पार्टी जब भारत में आई, तो इसने अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, जो इसकी सदस्यों की संख्या ये बढ़ाने के लिए, कोलकाता और जो आपका मुंबई है उसकी तरफ ध्यान केंद्रित किया। और देखिए मुंबई और कोलकाता में पहले से ही जो मजदूरों का संघ केंद्रित, मतलब कि उनका जो संगठन था वो था पहले से ही। और देखिए भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो अटैक के जो विफल के रूप में सामने के जो आपका ये था श्रमिक संगठन, ये अच्छे से कार्य हो नहीं रहा था इसमें, तो कम्युनिस्ट पार्टी जब आई तो उसमें विफलता जो थी वो और ज़्यादा दिखने लग गई आपकी उसमें अटैक में। जब इसका अधिवेशन वहाँ पे हो रहा था, नागपुर में हो रहा था, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता के रूप अध्यक्ष थे इसमें जब, तो जो साम्यवादी विचारधारा वाले नेता थे, तो उन्होंने जो रॉयल कमीशन ऑफ लेबर का बहिष्कार करने की मांग की थी। और उसके साथ ही जो आपकी ILO, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, से अलग होकर एक अलग से उसकी स्थापना की थी संगठन की। तो जो उन्होंने अलग से एक संगठन बनाया था साम्यवादियों को लेके था, और वो उसमें सफल भी हुए थे। तो देखिए इसमें क्या बता रहे हैं ओवरऑल, कि जो ये संगठन था जो आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो वहाँ पे आपका रूस में इसकी स्थापना हुई थी, जब ये भारत में आई तो इन्होंने देखा कि हमें कोई अपनी सदस्यों की जनसंख्या बढ़ानी है, तो ये मुंबई और कोलकाता में गई जहाँ ऑलरेडी एक गठन था, जो आपका श्रमिक था ना, मैंने एक नाम बताया था उसका, श्रमिक जीव संगठन जो संघ कांग्रेस था वो था। तो उसके जब वो आई यहाँ पे, तो जवाहरलाल नेहरू नागपुर में एक अधिवेशन हुआ, तो वहाँ पे जो एक्टा थी इसकी विफलता के चीज़ें सामने आने लगी कम्युनिस्ट पार्टी के आते ही। तो क्या हुआ कि लोग कहने लगे कि जो आपका ILO है इससे अलग होने की बात करने लगे जो नेता थे, वो कह रहे हमें तो इससे अलग होना है, जो साम्यवादी नेता थे तो वो हो भी गए उससे अलग, और एक अलग से संगठन उन्होंने स्थापित कर लिया। और ये बता जो एक्ट है उसके अंदर भी दो विचारधाराएं बन चुकी थी, उनका जन्म हो गया था दो विचारधाराओं का। देखिए एक विचारधारा जो अंग्रेजों की सरकार थी उसकी हिमायती थी, मतलब कि उसके सपोर्ट में थी, नरमपंथी उसको बोलते, दूसरी विचारधारा थी साम्यवाद की। और इन दो विचारधाराओं के कारण ही 1931 में जो एक्ट है उसका भी विभाजन हो गया था, एक नरमपंथी एक्ट के रूप में और एक भारतीय श्रमिक जीवी महासंघ के रूप में, इसकी शॉर्ट फॉर्म में IFTU, इसको IFTU भी बोलते हैं। देखिए इस वाले संघ में कौन कौन लोग थे, MN जोशी थे, दीवान चमन थे, लाल बजाज थे, VP गिरी थे, ये सब लोग इसमें मुख्य थे। और 1931 में राष्ट्रवाद और साम्यवादियों के बीच मतभेद भी आरंभ हो गया था। देखिए जिस टाइम पे जब गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लिया था, तो जो कांग्रेस की साम्यवादी जो लोग थे, कांग्रेस के जो सदस्य थे, वो साम्यवादी का साथ दे रहे थे उस टाइम पे। और एक्ट जो है फिर से उसका विभाजन हुआ और एक नया मजदूर संघ का निर्माण हुआ उसमें। देखिए इसमें आपको इतना सब याद करने की जरूरत है, आप इसमें एक्ट के बारे में याद रखिए कि एक्ट का विभाजन हुआ, उसमें कौन कौन नेता प्रमुख थे, और उसमें भी दो विचारधारा उत्पन्न हो गई थी, एक तो नरमपंथी के साथ थी और एक उसके साथ थी आपके कहते साम्यवाद के साथ। तो ये सब चीज़ें आप याद रखना। और ये इसलिए इसका गठन हुआ था क्योंकि क्या कहते जो मजदूर संघ थे वो अपना एक ऐसा मंच चाहते थे जो उनके अधिकारों को दूर दूर तक सुना जाए, उनके आंदोलन को सुना जाए, तो इसके बारे में आप बना बना के लिख सकते हैं। देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो क्या हो रहा था कि जो इसमें ना मतभेद हो गया था आपकी राजनीतिक में भी, कि इसमें कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे थे नेता कि जो इंग्लैंड जो आपकी अंग्रेज जो सरकार है वो युद्ध में शामिल हो, और कुछ बोल रहे थे युद्ध में शामिल ना हो। जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसकी बात हो रही कि द्वितीय विश्व युद्ध में ये बातें उभर रही थी कि जो अंग्रेज सरकार है उसको द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने चाहिए नहीं, तो आधे लोग तो हाँ बोल रहे थे आधे लोग ना बोल रहे थे, तो उसी के कारण राजनीतिक मतभेद हो गया बहुत ज़्यादा। और उसके कारण क्या हुआ कि जो मजदूर संघ है वो भी इससे छूता नहीं रहा, वो भी इसके साथ ही इसके लपेटे में आ गया, इसके चीज़ों में आ गया। कैसे कि जो एक्ट है
उसका विभाजन हो गया था, तो मैंने आपको बता दिया। तो जो एम एन रॉय है उसने इसका वो कर दिया, मतलब कि इसको छोड़ दिया, क्या कहते हैं, 1941 में एम एन रॉय ने भी इस ग्रुप से अलग हो गया और उन्होंने फिर एक नया बनाया, उसका नाम था आपका इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, इसको IFL भी बोलते हैं, इसका गठन किया गया। तो इस प्रकार से जो एक्टा में साम्यवादी विचारधारा आई थी वो उसका भी विघटन हो गया, मतलब समाप्त होगी। तो जो कांग्रेस पार्टी थी वो ऐसे चाहती थी कि एक्टा में गांधीवादी विचारधारा को अपनाया जाए, परंतु ये जो उन्होंने प्रयास किया ये भी नाकामयाब हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस ने 1947 में भारतीय राष्ट्रीय श्रमजीवी संघ कांग्रेस इंटक का गठन किया था, परंतु ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया था और इसका भी विघटन हो गया। और देखिए इसमें बस इसी प्रकार से बताया जा रहा है कि इसका विघटन हुआ, फिर ये वापस बनी, तो फिर लास्ट में ये है कि आपका क्या है कि एक्टा का विभाजन हो गया था, तो उसके बाद कौन सी बनी थी, भारतीय श्रमजीवी संघ फिर से केंद्रित में स्थापना हुई, इसको हम बोलते हैं C2 बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का इस पर प्रभाव था जो मार्क्सवादी विचारधारा के थे। इसमें यह है कि भारत में जैसे जैसे राजनीतिक जागरूक बढ़ी, वैसे वैसे जो भारतीय हैं वो अपने अधिकार के लिए जागरूक होके गए, और जो मजदूर हैं उन्होंने भी अपने संगठनों की स्थापना करी और पार्टियां बनाई उसको रिलेटेड अपने मजदूर संघ को लेके, और जो पार्टियां थी वो राजनीतिक से भी जुड़ने लगी थी फिर। तो बस इसमें इतना ही सब बताया गया, बाकी आप पोस्ट करके पढ़ लेना जो आपको अगर पढ़ना हो, जो इसमें नाम उम लिखे हुए हैं, बाकी मैंने सब आपको समझा ही दिया है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे यहीं समाप्त होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय आंदोलन के मध्य विभेद। इसमें बताना जो पर्यावरणीय और जो पारिस्थितिकीय तंत्र होता है उसके आंदोलन में क्या क्या विभेद हैं या फिर क्या क्या अंतर हैं। देखिए जो पर्यावरण शब्द है उसका अर्थ ये होता है कि आसपास का जो आपका मानव है, जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उनमें विकास को प्रभावित करने वाले बाहरी दशाएं, कार्य करने वाली दशाएं तथा जीवन यापन की दशाएं आती हैं, कि जो भी आपका पर्यावरण है, जो जीव जंतु जो भी होते हैं, इसके जो बाहर से हम इसमें जो भी प्रभाव डालते हैं वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। और देखिए सभी देश अपने जो मनुष्य अपने विकास की दौड़ में ये सब भूल गए हैं कि वो जो विकास कर रहे हैं उसके बजाय वो विनाश कर रहे हैं। विकास जो हो रहा है वो किसके विनाश पे हो रहा है, आपके जो पर्यावरण है उसके विनाश पे आप अपना विकास कर रहे हैं। विकास के कारण क्या हो रहा है कि जो मनुष्य है वो पर्यावरण और परिस्थिति के तंत्र का विनाश कर रहे हैं। और देखिए जब मनुष्य को पता चलता है कि हम अपने विकास के चक्कर में पर्यावरण और परिस्थिति के तंत्र का विनाश कर रहे हैं तो वो उसके रोकने के संदर्भ में आंदोलन चलाता है और उसको रोकना चाहता है। देखिए पर्यावरण जो आंदोलन है वो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए और जो उससे विनाश हो रहा है उसको रोकने के लिए किया जाता है पर्यावरण आंदोलन, कि ये जो प्रदूषण फैल रहा है और इससे जो विनाश हो रहा है, इससे जो भयानक परिणाम है उन सबको रोकने के लिए, और जो परिस्थिति तंत्र में जो असंतुलन हुआ है उसके लिए हो रहा है। देखिए कि भारत में अगर हम शहरों की तरफ पर्यावरण आंदोलन देखें वो किस लिए होते हैं कि जो आंदोलन है ये पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है उसके बाद जो उत्पन्न हुई है समस्या उसको ध्यान में रखकर किया गया है, कि पर्यावरण प्रदूषण तो हो गया उसके बाद जो समस्या उत्पन्न हो रही है अब हमारे सामने पर्यावरण प्रदूषण के बाद, तो उसके लेके ये आंदोलन हुए हैं शहरों में। और ये बता रहे किस कारण से हुआ ये पर्यावरण प्रदूषण, जिसके शहरों में जो आसपास में कारखाने लगे होते हैं आपके, और जो शहरीकरण हुआ है उसके कारण हुआ है, और जो आपके इससे वायु में प्रदूषण फैलता है, जो आपकी गैसें की मात्रा बढ़ने लगी है, और इससे क्या हो रहा है कि जो कारखाने से निकलने वाली धुआं होती है, प्रदूषित धुआं, वो वातावरण में जा रहे हैं, जिससे कि ये सारी समस्या हमारे सामने आ रही है जो शहरों में है। और देखिए इसमें दिल्ली का उदाहरण दे रहे हैं कि दिल्ली की जो प्रदूषण की वो है ना, प्रदूषण इतना ज़्यादा होता है वो विश्व की गिनतियों में गिना जाता है, कि प्रदूषण जो शहर हैं जो सबसे हाई लेवल प्रदूषण होता है जिन शहरों का, उसकी गिनती में दिल्ली भी आते हैं। ये सब किस लिए हो रहा है दिल्ली में इतना प्रदूषण, क्योंकि देखिए आपको पता है यहाँ कितने वाहन चलते हैं, वाहन का योगदान से सबसे ज़्यादा है कि जो आपकी प्रदूषण फैल रहा है, डीजल की जो गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रक चलते हैं, उनके कारण जो इसके धुआं निकलते हैं, वो जो आदमी होते हैं इसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस धुआं से, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है सब। तो इसी की याचिका वहाँ पे आपके न्यायालय में भी लगी गई है, जिसके कारण कि अब CNG का यूज़ होता है, आप सभी को पता है अब CNG की गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, और जो प्रदूषण का भी चालान कटवाना पड़ता है, सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आगे देखिए नेक्स्ट में परिस्थिति के बारे में बताएंगे, परिस्थिति के जो तंत्र हैं, परंतु देखिए इसका क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा उसी का ही आंसर मैं बता रही हूँ, पर इसका एक अलग से भी क्वेश्चन
क्वेश्चन बन सकता है जो मैं आंसर बताऊंगी कि परिस्थितिकी क्या है, पर्यावरण परिस्थितिकी आंदोलन में अपीको आंदोलन के बारे में बताना है इसमें। और देखिए मैंने इस बुक में जितने भी आंदोलन बचाए आपको सारे आंदोलन करके जाना जरूरी है, नमदा बचाना आंदोलन, चिपको आंदोलन, अभी अपीको आंदोलन में पढ़ रही हूँ, तो सब आंदोलन आप करके जाना जरूरी है। और जैसे कि आपका मछुआरा आंदोलन मैंने करवाया, आपको मजदूर आंदोलन कराया, कृषक आंदोलन कराया है, और आपको नारी आंदोलन कराए हैं, और अभी आपको मैंने श्रमिक आंदोलन भी कराया था, तो ये सारे आंदोलन आप करके जाना, बस इसमें देख लेना कि क्या चीज़ें होती है, मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर रखा है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर 2019 का है, तो ये करके जाना, इसमें से आपके आंदोलन पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए परिस्थिति के अंतर्गत वो सारे विषय आते हैं जो जीव तथा भौतिक पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं, वो सब अध्ययन अगर हम जब करते हैं ना भौतिक का जीव का, तो ये सब चीज़ें इसी के अंदर आती हैं परिस्थिति के तंत्र में। और देखिए परिस्थिति का दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि बिना किसी बदलाव के एक दूसरे पर एक दूसरे की आवश्यकता को पूरी करना। कि आपको पता है कि परिस्थिति के तंत्र में एक चैन टाइप की होती है, एक दूसरे पे सब डिपेंड होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक दूसरे की आवश्यकता को पूरी करते हैं। इसमें देखिए बता रही परिस्थिति के अंतर्गत केवल जीव जंतु पौधे और पर्यावरण से रिलेटेड ही अध्ययन नहीं किया जाता, इसमें और भी चीज़ों का किया जाता है, जैसे कि मानव समाज तथा भौतिकी पर्यावरण, इन सब चीज़ों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। देखिए जो अपीको आंदोलन वो किस लिए हुआ था कि जो आपके पर्यावरण और जो इसके बदलाव हो रहे थे इसमें, इसी कारण ये आंदोलन किया गया था कि इनकी जो आंतरिक क्रियाएं हैं उसमें बदलाव आ रहा था। देखिए बता रहे कि 1983 में जो अपीको आंदोलन दक्षिणी भारत के प्रमुख परिस्थितिकी आंदोलन के रूप में माना जाता है कि जो 1983 में आंदोलन हुआ था अपीको आंदोलन दक्षिणी भारत में, तो ये प्रमुख पर्यावरण परिस्थितिकी आंदोलन के रूप में माना जाता है। देखिए जो अपीको आंदोलन है कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के क्षेत्र में हुआ था, जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे वन कटाई के कारण क्षेत्र में मृदा अपरदन जो आता है कि जो आपकी मिट्टी होती है वो आपकी ऐसी बह जाती है, उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है, इन सब चीज़ों को लेके हुआ था क्योंकि वहाँ वन कटाई बहुत ज़्यादा होती, उसी कारण ये अपीको आंदोलन वहाँ पे स्टार्ट हुआ। वहाँ पे और क्या हुआ था कि जो सूखा पड़ने लग गया था, सूखे की समस्या आने लग गई थी, और उसके बाद क्या था जब सूखा पड़ने लग गया वहाँ पे मृदा अपरदन जो ये सब चीज़ें होने लगी थी, तो और क्षेत्र की कटाई होने लगी थी वनों की, तो इसमें क्या हुआ था कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके अंदर गुस्सा पनप गया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे वो, तो वहाँ के जो किसान हैं उनको ये सब समस्या का सामना करना पड़ा, और जब ये क्षेत्रीय स्थानीय लोग हैं वो और ज़्यादा गुस्सा उस समय और हो गए थे जब जो वहाँ के रियासी जो लोग हैं जो समकालीन गाँव में रहते थे आदिवासियों, उनको ईंधन चारा और ये सब लेने से भी मना कर दिया गया था, तो जिसके कारण इन्होंने अपीको आंदोलन स्टार्ट किया। और इस आंदोलन में आसपास के जो युवा वर्ग होते हैं, महिला होती हैं, आसपास के लोग जो हैं वो सब इसमें इकट्ठे हो गए थे, और इसमें पेड़ कटाई के विरुद्ध में ये आंदोलन चला था। जब ये पेड़ कटने स्टार्ट होते थे तो पेड़ के साथ भी ये लोग चिपक जाते थे और ये पेड़ काटने का फिर विरोध करते थे, और इसी कारण जो सरकार है उसने इसका जब देखा कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं पेड़ काटने का, तो जो सरकार है उसने ये रोक दिया, जो पेड़ कटाई का कार्य था उसको रोक दिया। और कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि वन कटाई वापस से स्टार्ट होगी, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो दोबारा वन कटाई के विरोध में चिपको आंदोलन की तरह ही शुरू कर दिया गया कि विरोध करने लगे, वन कटाई जब होने लगी और उसके साथ फिर से चिपकने लगे। देखिए जो अपीको आंदोलन चिपको आंदोलन की तरह ही है सेम, बस इसमें जगह अलग है, नाम अलग है, ये सब चीज़ें आप याद रखना। और बड़े अपीको आंदोलन का दूसरा चरण जो है वो अक्टूबर में प्रारंभ हुआ, जब आपके बेगान गाँव था वहाँ पे बांस जो होती है उसके पेड़ की कटाई होने लगी थी तब। देखिए जो बेन गाँव है वहाँ के मुख्यतः जनजाति ही लोग रहते हैं और अब उनकी आजीविका का प्रश्न था। देखिए जो आपके ये बांस के पेड़ जो होते हैं ये जीविका का मुख्य स्रोत होता है जो लोग वहाँ आसपास में रहते हैं, तो जब ये भी काटने लग जाएंगे तो वहाँ के लोग अपनी जीविका कैसे चलाएंगे, तो फिर से ये आंदोलन स्टार्ट हो गया था। और इस बांस के पेड़ से लोग क्या बनाते थे, जैसे कि बांस के चटाइयाँ बनाते थे, टोकरियाँ बनाते थे, पंखे, आपने ये सब देखे होंगे, तो ये सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। और इनको बना के बेचते थे, अपनी जीविका चलाते थे, अपने जीवन का खर्च इसी से निकालते थे, तो वो सब चीज़ें जब इसकी कटाई होने लगी, लोगों से इनकी जीविका छीनने लगी, तो इन्होंने फिर आंदोलन करना शुरू किया। और पेड़ काटने से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि पेड़ों पर लिपट जाते थे, और दोबारा ये दो आंदोलन है इसको स्टार्ट किया। तो देखिए ये सब अपीको आंदोलन से ये पता चलता है कि भारत में जो लोग हैं वो अपनी परिस्थिति के और पर्यावरण के लिए जागरूक हैं उसके प्रति, और जो भारत में दूर दराज जो इलाके हैं उसमें जो आंदोलन होते हैं तो ये क्या होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर हो जाते हैं, और ये सफल भी होते हैं क्योंकि राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच जाते हैं। और सबसे बड़ा आंदोलन इसका कारण क्या था सफलता होने का, कि इसमें महिलाएं ने भी भाग लिया था।
और इस आंदोलन जब महिलाओं ने भाग लिया तो ये बढ़ चढ़कर आंदोलन और ज़्यादा आगे हुआ और इसमें कहते हैं सफलता की इसने प्राप्ति की। और इस आंदोलन से क्या हुआ कि जो आपकी पारिस्थितिक तंत्र है वो बच गई, जो वन विनाश होता है वो बच गया, पेड़ जंगल काटते थे उसका विनाश होने से बच गया, क्योंकि ये सब चीज़ें लगातार हो रही थी वहाँ पे कि वन काट रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं। तो ये आंदोलन से क्या हुआ है कि थोड़ा बहुत ठीक हुआ है। और आप सभी को पता है जब पेड़ काटते हैं, पौधे काटते हैं, जानवरों को मारते हैं तो असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। फिर जानवर कहाँ रहेंगे, जब जंगल ही रहेंगे तो जानवर कहाँ रहेंगे, घर में थोड़े रहेंगे, जानवर तो जंगलों में रहते हैं। तो पेड़ पौधे जंगल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि असंतुलन ना उत्पन्न हो, सब चीज़ संतुलित रहे। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जब असंतुलित हो जाता है तो इसका प्रभाव जो है वो मनुष्य पे भी पड़ता है। और ये जो आंदोलन था दक्षिणी क्षेत्र का सबसे बड़ा आंदोलन था जिसने पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपर आंदोलन किया था और ये सफल भी हुआ था। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें जो बताई गई हैं। तो देखिए वीडियो में यहीं स्टॉप करती हूँ तो लेंथी हो जाएगी, फिर मैं आपको एक और पार्ट अपलोड करती हूँ। पहले आप ये देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, 2019 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी ज़रूर पढ़ के जाना है, 2018 का क्वेश्चन पेपर दी। तो इसके मैं दो पार्ट बना रही हूँ, एक पार्ट ये और एक और पार्ट अपलोड कर दूँगी रात तक, तो आप ये सब पढ़ लेना और पोस्ट